की लाडला अच्छे करने के लिए जी जान लगाए करके रात दिन लगे हुए हैं। अभी हम सबकी सौभाग्य हैं कम से कम ये कोस्टल बेल्ट में उड़ीसा निवासियों की कटक भुवनेश्वर पुरी ये ट्रिनिटी बाबा की भी त्रिमूर्ति स्थान है नज़दीक में, तो इसीलिए भुवनेश्वर में विशेष प्रोग्राम 24th संडे को था सुनने में आया मधुबन मीटिंग के टाइम पर, और उसे फिर पास में कटक वहाँ भी बाबा का अभी मेगा प्रोग्राम November 6th को फाइनल हुआ है, तो उसकी भी प्रिपेरेटोरी कार्यक्रम के लिए, और फिर भुवनेश्वर में 24th 25th दो दिन का 22-23 दो दिन कटक में, और आज सवेरे हम सब के पास स्कूल रीति से पहुँचे हैं। कहाँ वेस्ट में बाप दादा की चरित्र भूमि, कहाँ ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल के। सदा स्वमान में स्थित रहने वाले बाप दादा की याद की यात्रा में मस्त रहने वाले हम सोहम का स्मृति स्वरूप में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता उस स्वरूप में स्थित रहने वाले निरंतर अखंड ज्योति स्वरूप में स्थित रहने वाले वह अपनी संकल्पों द्वारा वाणी द्वारा कर्मों द्वारा सभी आत्माओं को आत्मदर्शन कराने वाले साथ साथ बाबा का दर्शन व वरदान व शिक्षा देने वाले आप सब विशेष इस पवित्र स्थल का यादगार की स्थल तीर्थ स्थल प्रसिद्ध स्थल योग स्थल ज्ञान स्थल का निवासी पूरी, वैसे वरीसा सारी वरीसा को देखा जाए तो हर एक स्थान का बहुत विशेष महिमा है। बाबा ने बच्चों को एक पार्ट आरंभ से लेकर के अब तक पक्का करते आए हैं, आज भी वो पार्ट वो स्मृति बाबा ने अपनी अमूल्य महावाक्य द्वारा वरदानों द्वारा पक्का किया। अभी हमको क्या करना है? हमको घर जाना है,
हमारा तैयारी जो है वापस घर जाना और फिर भी अपने राज्य में आना, पराया राज्य में अभी है, अभी अपनी राज्य में आना, ये दोनों बातों को बाबा ने आज की मुरली में भी पक्का किया। समेटते हैं जो हर बात को, समेट लेते हैं और लगेज को समेट करें और दूसरों को भी शक्ति का अनुभव कराए, वरदान का अनुभव करें, वरदान देवे, सहयोग का अनुभव करें। हर बेड़ी बाबा का हमारा साथ सहयोग है, उसका अनुभव करें। और बाबा जैसे हमारा प्रति दया दिखाया, क्षमा दिखाया, करुणा दिखाया, हर बात में हमको आगे बढ़ने के लिए हमारा पीछे रह करके हर बात को आगे रखा, ये अनुभव दूसरों को भी कराना। बाबा ने जैसे रात और दिन को, रात को भी दिन करके दिखाया, अथक सेवादारी बन करके देखा साकार बाबा ने, और आज के दिन में भी मैं देखता हूँ हमारा दादी जी आए, चाहे दादी प्रकाशमणि दादी, चाहे गुलजार दादी, चाहे जानकी दादी, जानकी दादी का आयु तो 90 साल का है शरीर की दृष्टि से देखा जाए, इस 90 साल की आयु में भी एक सेकंड भी फुर्सत नहीं रहा, उसके पास जाइए इतना भीड़ लगा हुआ, सुबह 3:30 बजे से लेकर के रात 11 बजे 11:30 बजे तक में देखते, उसको नाश्ता करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और इसको इतना बिजी रहता है दूसरों को कल्याण के लिए। मुझे आश्चर्य लगता था इस समय में हमारा मीटिंग का, मीटिंग के समय में भी दादी को उन्होंने सभी बोलने लगे आप कैसे जाएंगे इस समय में। मैंने बोला मैंने अपना वचन तो दे दिया और मैं निभाना ही पड़ेगा, मैं तो जरूर जाएंगे, ऐसे उनके कहा। इसके लिए ये क्रेडिट लीना बहन को जाता है, उन्होंने कैसे उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी स्वच्छता, उनकी सरलता व उनकी वो मधुर प्यारे अव्यक्त बाप दादा भी इस कल्प में पहली मुलाकात के टाइम पर पूरी निवासी भाई बहनों के प्रति और भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चों के प्रति भी बहुत कुछ उम्मीद रखे थे, अभी भी रखे हैं। भक्ति पीठ को ज्ञान पीठ बनाना तुम बच्चों की जिम्मेवारी है, स्थान को कम से कम याद रखना तो स्थिति भी तुम्हारा बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। कहाँ पर बाबा बिठाए हैं, कहाँ से चुना है, कहाँ पालना दे रहा है, परवरिश दे रहा है, तो इन बातों को भी बीच बीच में याद दिलाने के लिए, अंडरलाइन कराने के लिए बाबा अपने वरिष्ठ महीन पुरुषार्थी, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चों को भेज देते हैं। सब भी अपना अपना यादगार फिट करने के लिए पहुंच जाते हैं। आज मृत्युंजय भाई जी के द्वारा हम सबको भी विशेष बात मिली, ऐसे धर्म के धरणी में पैदा होने वाले कम से कम हमारे रे, तब हम बाबा की प्रत्यक्षता के लिए हमारे दिव्य स्वरूप के आधार पर निमित्त बनेंगे। खजाना कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार, कल किसने देखा है आज तुम ये कर लो,
प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो, कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार, प्रभु को सहारा, देखो मौका फिर ना आएगा दोबारा, फिर ना आएगा दोबारा, माया में मन को व्यर्थ ना उलझाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार, उड़ने तो मन को अपने नील गगन प्रभु प्रेम भर लो, फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में, कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। Thank you.
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। गर्व की जय ये तो विनाशी है, तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण, मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे,
जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।
तथा तो आम रिक्वेस्ट कर
कार्यक्रम समाप्त से मध्य मंच को आसिबे अंतर्जातिक आध्यात्मिक शिक्षा केन्द्र अन्यान्य धर्म संस्था भली ये कौनसी गोटे धर्म संस्था नुहे प्राय 90 देशरे 700 सेवा केन्द्र माध्यमरे यह कार्य करुछि। वर्तमान आमर आजिर मुख्य वक्ता कुमार मृत्युंजय भाई वर्तमान आम गहन आसी पहुँचिले आम ताकु स्वागत जनाउछु। एवं ब्रह्मा कुमारी लीना भूनी मध्य स्टेज ऊपर को आसंतु ये सेवा केन्द्र माध्यम रे कार्यकारी होउची जहाँ को मिलित जाति संघ मध्य तार जो बेसरकारी ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्टिंग स्टेटस दे मेंबर मध्य स्वागतम शुभम स्वागतम अतिथि जनो सतम सुस्वागतम सुस्वागतम शुभम स्वागतम अतिथि जनो सतम सुस्वागतम जीवन थिले नीति शासन जीवन संगीत हुए संतुलन जीवन थिले नीति शासन जीवन संगीत हुए संतुलन आध्यात्मिकता को कले उजीवित देवभूमि भारत आ जीवन हेउ प्रभु को अर्पण अतिथि जन सतम सुस्वागतम उत्कलीय संस्कृति राय क्षेत्र तीर भंडार से ही एका शुभ शांति में बैठे याद में रावत की याद में सहयोग में
ଆଜି 2005 ମସିହାରେ ଲିଭିଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଫର୍ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ସୋସାଇଟି ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଧାରରେ ଆମେ କିପରି ମୂଲ୍ୟନିଷ୍ଠ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବା ଗଢ଼ିପାରିବା ତାହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଲଞ୍ଚିଂ ସେରିମୋନି ଯାହାକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି 2005 ମସିହା ପାଇଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ପୁରୀରେ ସେହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଭ୍ରାତା ରାଜଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କର ଆଗମନୀରେ ଆଜି ବଡ଼ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ରଖାଯାଇଛି ଏ ପବିତ୍ର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମୀ ଜଗତାନନ୍ଦା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଦିବ୍ୟମୂଳର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଉତ୍ସାହ ଉମଙ୍ଗର ସହିତ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଜୀବନକୁ ଭରପୁର କରି ଗଢ଼ିବାରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କରି ଗଢ଼ିବାରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳ ପ୍ରୟାସୀ ସଫଳ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସାଧକ ସାଧିକା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ତପସ୍ୟା ହଲ୍ରେ ଏହି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଲଞ୍ଚିଂ ସେରିମୋନିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଶରୀର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିଛି, ଶରୀର ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ମସ୍ତକରେ ମଣି ପରି ଜାଜଲ୍ୟମାନ, ସେଇ ଆତ୍ମଚେତନାଟିକ ଆତ୍ମଜାଗୃତିଟିକ ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାରଟିକର ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ମୁଁ କିଏ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ରିଅଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର କହି କହି ଆମ ଜୀବନ ବିତି ଯାଉଛି। ମୋର ହେଲା ମାଂସର ଦେହଧାରୀ ଆମେ, ସେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାତା ପିତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ବା ଜାଗତିକ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛେ ଭାଇ ଜୀବନ ବିତଉଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ସତ୍ତାଟି କିଏ, ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ସେହି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ତାକୁ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବିନା ଜୀବନ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ହିଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୂଲ୍ୟନିଷ୍ଠ ସମାଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଓଲଟି ସୁନ୍ଦର ସୁନାର ସଂସାର ଆସିବାରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମୋର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା କରିବି, ପାଳନ କରିବି। ଟିକିଏ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ବଳବତ୍ତର କରି ଆମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟଗୁଣକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସାଥୀ କରି ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟନିଷ୍ଠ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଆଜି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ଏହି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଲଞ୍ଚିଂ ସେରିମୋନି ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଫର୍ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ସୋସାଇଟି, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅନ୍ତର୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ରହି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜର ଦିବ୍ୟଗୁଣକୁ ନିଜେ ବାଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆଉ ବାଜି ସମେଇବାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଗୁଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ, ପାଳନ କରିବାରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାରେ, ତାକୁ ଦେଖି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧବିଘ୍ନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ସେଇ ଗୁଣକୁ ଆଉ କିପରି ବିକାଶ ଘଟେଇବା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶକ୍ତି ବଳରେ, ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବଳରେ ସେତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ଆଉ ଟିକେ ୟା ଉପରେ ଥରକୁ ଥର କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଡିପ୍ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେବ। ହାଉ ଆୱାର ଦାଦିସ୍, ହାଉ ଆର ବ୍ରହ୍ମ କୁମାର ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ, ଦେ ଆର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଭାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ଲାଇଫ୍, ଦେ ଆର୍ ଦ ରିଅଲ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ଲାଇଫ୍, ଦେ ଆର୍ ରିଏଲି ଏନ୍ଜୟିଂ ଆଜ୍ ଦ ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଅଲମାଇଟି। Those who have gone to them, we really experience that sort of living spirituality, and we endow ourselves, we imbibe in ourselves that spirituality. ଗତ ମାସେ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ଅନୁଭବ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିରାଜମାନ କରୁଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ,
स्वर्ग विषय पढ़ी स्वर्गीय आनंद विषय आपण मानक जहाँ भी व्यक्तिगत साधना द्वारा अनुभव थी योर सिचुएशन अमंग्स द एंजल्स द विशेषकर जोबले दादी मान संपर्क आपे देखिए जे जो स्नेह से आपण मानक आपण मान पाखे अजाड़ी दूसरी आपण मान झूली दे दूसरी अशी नबे वर्षर दादी माने द लव द अफेक्शन विच द सावर ऑफ नॉस रियली इट इज ट्रेमेंडस द एक्सपीरियंस इज यूनिक वी जस्ट कैन नॉट थिंक दैट such an experience is possible in this life. विशेष करी जेते बड़े भगवान करो अवतरण प्रक्रिया रे जोग दे थी स्वयं परमात्मा चत निराकार से ज्योतिर्बिंदु किंतु से मध्य साकार ही परिवे से अमर से समस्त गुणर सागर तारे लोक मानकर मंगल पाई से मध्य धराधाम को आसवापी संकल्प नहीं जमती गुलजार दीदी दादी भितरे से प्राय दस बार थर वर्षक भितरे से अवतरण करुछंति ब्रह्मा बाबा जे ये समस्त संस्था को रूप दे मनीष भितरे हीरा को खोजी रत्न को से आविष्कार करिसंति भगवान जो गुणावली से तो निजे से गुणावली आधार थिले ब्रह्मा बाबा किंतु जो दादी मान भितरे से गुण को से देखिसंति एवं परवर्ती समय सब भाई भौणी मान भितरे से गुण को प्रकाशित करिसंति से ब्रह्मा बाबा आशीर्वाद मध्ये आपण माने लाभ करिवे जे प्रभु जमी ओल्लैसी धराधाम को ब्रह्मा बाबा साथी आपण मान को आशीर्वाद कर आशीर्वाद मो भाई भाई मैंने जो जाते सागर मुझे अनुभव कर दादी मान जो स्नेह जो जहाँ टी आप दे आशीर्वाद भाव से टी फल दिंतु वे मिठाई दिंतु से आपण को लगे जमी आप स्वर्गीय आनंद अनुभव कर माँ निश्चित आपण मान कह ये एक अनन्य अनुभूति यह एक अनुभूति पाइबापी आम मैंने निश्चित चेष्टा करवा अंत बर्षके थे दुथर से माउंट आबू जीवा देन ओनली वी कैन रियलाइज द सिचुएशन एंड वी हैव बीन ग्रेटली बेनिफिटेड दोज हू हैव गॉन देयर जो विषय आज रही जहाँ आरंभ कही हूँ आनिमलिटी को कि डिविनिटी परिणत कर हाउ कैन वी चेंज आवर सेल्स हाउ कैन वी चेंज द होल वर्ल्ड बाय चेंजिंग आवर सेल्स वी विल नॉट वेट फॉर एज इट इज सेड देयर वी विल नॉट वेट फॉर अदर्स टू बी चेंज्ड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड बट वी विल ट्रांसफॉर्म आवर सेल्स फास्ट जितने व्यक्तिर परिवर्तन से समाज परिवर्तन कारण व्यक्तिर जो समष्टि से ही समाज तेणु मनीष एक सामाजिक प्राणी समाज बंधन भितर से अच्छी किंतु से समाज को गोटे दिव्य समाज भितर को जानिबो तार निजर दैविक गुण द्वारा से प्रभावित करिबो अन्य मानंकु से एक डिवाइन सोसाइटी से तैयारी करिबो कहा बलरे को तैयारी करिबो केवल दिव्य गुण द्वारा जहाँ भौणी कहुतले से दिव्य गुण समस्त आम अधिकारी कारण आम जहाँ संतान से समस्त गुण अधिकारी से होंगे गुण सागर तेणु आम संतान भाव आम अंश भाव एभली आपण मैंने अर्थ करपारती अंशी आम हूँ अंश तेणु अंशीर जहाँ जहाँ गुण थाए जदि समुद्रर जहाँ जहाँ गुण थी टोपाए बिंदुर बिंदुर से गुण थी से हूँ तो सर्वज्ञ हो पारती
आमर आत्मा हूँ अल्पज्ञ से हूँ तो सर्वव्यापक हो पारती आम हूँ व्याप्य कारण से हूँ जनक आम हूँ जन्य यो पार्थक्य किंतु आम हूँ अंश आम हूँ सतान तेणु आम पिता जो जो गुण आम समस्त से सब गुणर अधिकारी किंतु से गुण को कौन से कारण बेले बेले आम भूली जाऊ कली एवं सत्यर एक संगम जुग यही संगम जुगर आम जहाँ करुचु जो कर्म आम करुचु से कर्म आने फल पाइब से फल द्वारा आम पुणी सत्य युग को जीव एवं सत्य युगर जहाँ भूमि कहले सत्य युगर भगवान श्रीकृष्ण जो जो गुण से गुण द्वारा आम आकृष्ट हो गुण आम पाइबू आम से लक्ष्मीनारायण भाया हो तेणु यह गुण को पाइबा सत्य युग में पहुँचापी जो मार्ग आवश्यक जो जत्न आवश्यक से कहते भैल्यू दरकार भैल्यूज समाज को प्रतिष्ठित करवाक मूल्यबोध भित्तिक समाज प्रतिष्ठित करवाक सब गुण को किभली भाव में आम ये देहर ये मनरे ये इंद्रिय मान आम ये सब गुणर अधिकारी कमी हो पार भैल्यू बेस्ड सोसाइटी करवाक वी हाव टू मेक आवर सेल्फ डिवाइन जमीती आम पूजा करुचु वी चेंज वी ट्रांसफर्म दिस बॉडी एज द डिवाइन बॉडी सिमिलरली वी हैव टू मेक दिस डिवाइन देन ओनली द एटमॉस्फेयर ओनली बी डिवाइन जमीती परिवेश सृष्टि जमीती आश्रम सृष्टि नूतन संदीपना नूतन उन्माद नूतन चेतना एक नूतन या भितर आम रोच त कारण हूँ जे द होल एटमॉस्फेयर हाज बीन सरचार्ज्ड तेणु ये चार्ज करने शरीर चार्ज करवा दरकार सेमती इकोलोजिकल बैलेंस रखा पड़ो गोटे ये परिवेश को आध्यात्मिकतार आध्यात्मिक आलोक उद्भासित करवाक पड़ो तेणु होल इकोलोजी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड होल वर्ल्ड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड तेणु आम को एटमॉस्फेयर को डिफाइन करवाक पड़ो परिवेश को आमको डिफाइन करवाक पड़ो द गोल इज वन वी हाव टू गो टू दैट गोल एभली जो भावना आसीज से ये समस्त मायाबंधन ये समस्त अविद्या दूर हो अविद्या दूर हो अज्ञान दूर होते अविद्या निवृत्ति गले आम परम पिता सन्धान पाइबा आम भितर आम भाविबा जे प्रभुंकर आम समस्त कृपार अधिकारी देन यू विल रियलाइज दैट रियली यू आर भेरी नियर टू गॉड और समटाइम्स ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति अकॉर्डिंग टू दैट दैट यू आर बिकमिंग गॉड और यू आर भेरी नियर टू गॉड एंड यू आर रियलाइजिंग द डिविनिटी एंड यू आर डिवाइन I hope you will imbibe that spirit. We are grateful to this organization, Prajapati Pita Brahma Kumari Sarvodaya Vishwavidyalaya, those who have really created a such an atmosphere. And particularly, we are grateful to our brother Mrityunjaya Ji, who has come and in his honor, really this lecture has been organized. So thank you. Om Shanti. Our most beloved. World benefactor, the Supreme Father, Father of all human souls, Shri Baba. The bestower of divinity through living example, the Father of humanity, Brahma Baba. My dear, most loving divine dedicated sisters on the dais, Dr. Nirupama Behan, Leena Behan, my dear most loving, enlightened, wise and wiseless Vice Chancellor of Sanskrit University, Dr. Professor Sarangi Saab, my dear most loving spiritual double doctor, Dr. Prasanna Ji, Dr. Mohanji, and all my loving spiritual brothers and sisters of this land of Jagannath. I feel greatly honored and privileged to participate in this most important, significant event in the history of a Brahma Kumari Sishwari Vishwavidyalaya. The auspicious occasion of launching a campaign, a project, a program known
as living spirituality for a value-based society. मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, इससे पूर्व दो मिनट प्रकृति ने हमको एक सहयोग दिया था, बिजली चले गए, हम सभी साइलेंस में बैठ गए। वो साइलेंस में बैठा, शांति में बैठे, वो उस समय कैसे लगता था आपको? अच्छा लगा। ऐसे ही मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप सबको एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, मूल्य निष्ठ समाज बनाना ये आवश्यक है, ये महसूस करते हो? ये जरूरी है। हाँ जी, अच्छा, ये बात, कोई भी बात को हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं, ये जरूरी है जीवन में, तब हम क्या करते हैं उसके लिए, उसको हासिल करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ कार्य भी करते हैं, चले जाते हैं। वह बोल पंडित लोगों ने अनेक भाषण करते हैं, उसको कई एक्सपीरियंस किया। दूसरा जो है आपका जीवन में, उसको परमानेंट नेचर बनाना, साइलेंस शुड बिकम अवर नेचर, लिविंग स्पिरिचुअल लाइट्स, साइलेंस माना लिविंग स्पिरिचुअल लाइट एंड माइट हाउस। पाप बढ़ते जा रहे हैं, किधर भी देखो पाप बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए मनुष्य सृष्टि जो है इस समय में घोर कलियुग, रौरव कलियुग हो चुका है। ऐसे कलयुग को परिवर्तन करके एक वैल्यू बेस्ड समाज, मूल्य निष्ठ समाज, वह श्रेष्ठ समाज, ये पवित्र समाज बनाना है। इसमें सबसे बड़े रोल किसका होना चाहिए? मनुष्य को होना चाहिए। आज भी जो समाज किस तरफ जा रहा है, वन थिंग आई नोटिस, आई रियलाइज द ह्यूमन कॉन्शियस इज मूविंग टूवर्ड्स कम्युनलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा जो हम देख रहा हूँ, जो जितने भी हम समाज में अच्छे अच्छे चीज़ को साधन के लिए हमने यूज़ करने शुरू किए थे, विज्ञान को बहुत साधन हमको दिया, परंतु वही विज्ञान आज हमको क्या कर रहा है? इट इज़ हेल्पिंग द ह्यूमन बीइंग्स टू इंक्रीज द क्राइम एंड इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। क्राइम को बढ़ाने में, क्राइम को विस्तार करने में और क्राइम को सामाजिकरण करने में, क्राइम को लीगलाइजेशन करने में आज इस समाज जुड़ा हुआ। हम कहते थे कि हार्मनी, ऑल दिस द कॉम्प्रोमाइज देयर बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, फॉर डिसयूनिटी। जो मनुष्य वसुधैव कुटुंबम कहते थे, अभी एक कुटुंब में भी एक नहीं है। ऐसी परिस्थिति को चेंज करने के लिए जो राज्य सत्ता, जिसके हम आधार लेकर के हम समाज को वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ये संभव है। इसके प्रति हम संकल्प करते हैं, वो भी उनके अंदर एनर्जी पास हो जाता है और हमारा अंदर एनर्जी बढ़ते जाते हैं। आज तो नेगेटिव सोचते हैं, कोई कि किसी की प्रति हमने एक बार भी नेगेटिव सोचते, इमिडिएटली द कैजुअलिटी इज द पर्सन हु क्रिएट द थॉट। जो व्यक्ति संकल्प करता है उसको खुद भी पहले दुख हो जाएगा, भय होगा, अशांति होगा, अस्थिरता क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा। ये तो हमारा एटीट्यूड को, गलत एटीट्यूड को अपना करके, गलत चीज़ को अपना करके अपने नेचर को खराब किया हुआ चीज़ नेचर है। जिसका नेचर बिगड़ा हुआ है उनका स्वभाव ये है, और इस नेचर को वापस अपने अस्तित्व पर, अपनी स्वाभाविक नेचर पर पहुँचाना, ये वैल्यू बेस्ड सोसाइटी निर्माण करने का विधि है। लोग शांति दो, शांति प्राप्त करो, हर एक को शांति का ब्लेसिंग दो। कुछ भी नहीं कर सकते तो शांति दे सकते, गुड विशेस दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, आपकी स्माइल, अच्छे स्माइल तो दे सकते हैं। और अपने आपका तन भी नहीं पूछ रहा है, आपका धन नहीं पूछ रहा है, आपको समय नहीं पूछ रहा है, कुछ भी नहीं चाहिए परमात्मा को, आपका चरित्र चाहिए, आपका ऊंचा चरित्र चाहिए। मैंने 35 साल से मैंने देखा, एक दिन भी हमारा दादी की मुख से झूठ बोला हुआ मैंने नहीं देखा, क्रोध किया हुआ नहीं देखा, उसके आंखों में कभी दूसरों को भी गुस्सा कर कर के आंख भी दिखाए ना जोर से, वो भी नहीं देखा। बनाए संबंध का अंग बना दें, मेडिटेशन के द्वारा
अपने आप को भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्रभु से कनेक्ट कर सकते हैं, भविष्य की सेवा के हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारा हर चिंतन में योग होगा, वहाँ योग जहाँ होगा वहाँ हमारा कर्म भी शुद्ध हो जाएगा और हमने अनेक पापों से बच जाएंगे, भाई से बच जाएंगे, दुख से बच जाएंगे, निंदा और स्तुति में समान रह जाएंगे। कितने राधा मृत्युंजय जी, आदरणीय बहन निरुपमा जी, सम्माननीय भ्राता वाइस चांसलर एसी सड़ंगी जी, भ्राता डॉक्टर प्रसन्न जी, भ्राता चंद्रमोहन भाई जी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सबसे निवेदन है कि 3 बार अच्छा सांस ले लें ताकि आप सभी रिलैक्स हो जाएं मेडिटेशन करने के, और ठीक रीति से 3 बार सांस लें। ठीक रीति से ये है, जब आप इनहेल करें तो पेट आगे आएगा, जब आप एक्सहेल करेंगे बाहर निकालेंगे सांस को तो पेट अंदर जाएगा। इस प्रकार से 3 बार सांस लें, इनहेल एक्सहेल, धन्यवाद। बैठ जाइए, आ जाएंगे। हम सभी यहाँ शांति से बैठे हैं, पता है माता धरती ने हमें अपनी गोद में लिया हुआ है, लेकिन जब ये माता पृथ्वी खुद हिलने लग जाए तो हम कहाँ जाएं। उस आर्टिकल में एक सुंदर सी कहानी इस प्रकार थी, एक भारतीय से आत्मा शांत स्वरूप हो, शरीर के भ्रुकुटी के बीच में विद्यमान मैं आत्मा इन आंखों से देखती हूँ, इन कानों से सुनती हूँ, एवं इन कर्मेंद्रियों द्वारा विभिन्न कर्म करती हूँ। लेना नहीं, बहुत करते हैं कि वहाँ करके सभी को धन्यवाद। मानव जीवन में जो आध्यात्मिकता आवश्यकता रही तार लंचिंग प्रोग्राम है, ये उत्सव तो सरला नहीं, ये उत्सव आरंभ है। See who has come. Baba also came. Celebrate with joy and happiness. Oh, dekho kaun aaya, saath Baba bhi aaya. देखो कौन आया साथ बाबा भी।
ब्राह्मण कुल निराला है।